हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स लैब। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और जिसका जायका सब लोग हमेशा याद रखते हैं और जो मुगलई दस्तरखान की रौनक है। जी सही समझे आप, मैं चिकन स्टू की बात कर रही हूँ। स्टू है, कौरमा है और बिरयानी, इनके बिना तो मुगलई दस्तरखान कम्प्लीट ही नहीं होता, अधूरा सा लगता है। हम लोग क्यों ना आज चिकन स्टू बनाएं और वो भी बहुत आसान तरीके से। इसकी खुशबू, इसका जायका और इसका रंग बहुत ही अमेजिंग है। आप इस तरह से ये आसान तरीके से चिकन स्टू बनाइए और घर में सबको खिलाइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपनी चिकन स्टू की तरफ। तो चलिए उसके लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए व्यूअर्स, चिकन स्टू बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और अब इसमें ये 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये देखिए अब इसमें डालेंगे। अब वेट करते हैं ऑयल को गर्म होने का। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है। देखिए अब ऑयल गर्म हो चुका है, इसको चेक किया हमने और इसमें ऐड करेंगे ये चिकन। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, चिकन को वाइट होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने ये 1 teaspoon सॉल्ट निकाला है, इसमें से आधा सॉल्ट अभी ऐड कर देंगे, बाकी बचा लेंगे। वाइट होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 7-8 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 2 green chili ली हैं और 2 red chili ली हैं और 2 inch का अदरक का टुकड़ा लेकर उनको जुलियन कटिंग में कट किया है। तो अब ये सारे मसाले हम चिकन के ऊपर डाल देंगे और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि ये मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये इसके साथ हम ये ऐड करेंगे 1 teaspoon ज़ीरा और ये 4-5 बड़ी इलायची हैं, 10-15 काली मिर्च हैं, लौंग के 6-7 पीस हैं, सिनेमन की 1 stick है और 1 छोटी इलायची है, ये भी हम इसी के साथ ऐड कर देंगे। और जो हमने सॉल्ट बचाया था वो भी ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे ये टर्मरिक पाउडर। सब तरफ फैलाते हुए हम सारे मसाले डालेंगे और इनको कर देंगे मिक्स। अभी हमने इसमें वेजीज और ऐड करनी है। 4 large size की अनियन लेकर मैंने उनको इस तरह बारीक बारीक कट किया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये सारी अनियन और इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। ये भी स्टू बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, फटाफट से स्टू बन जाएगा क्योंकि चिकन हमारा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो इसलिए हमने ये इसमें बारीक बारीक प्याज कटिंग करके डाली है। सारे मसाले हम एक साथ डाल देंगे। ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया कट किया है, ग्रीन चिली बचाई है और अदरक, ये इसको गार्निश करने के काम आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया हम अभी इसमें भी ऐड कर देंगे क्योंकि खुशबू आएगी ना इसमें इसकी। और मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और लिड से कवर कर देंगे। देखिए बस, चिकन को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये इसी पानी में पक जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर मैंने कट किए हैं और ये भी अब इसके साथ डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार फिर इनको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए अब टमाटर भी इसके साथ अच्छे से कुक हो जाएंगे और अनियन भी। तो अभी हम इसको वापस लिड से कवर करके रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं चिकन कितना कुक हुआ है। चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए ग्रेवी का कलर भी कितना अच्छा आया है और अनियन भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए चिकन एकदम कुक हो चुका है। अब हमें करना ये है कि हम इस फ्लेम कर देंगे फुल और इसको भून लेंगे। अगर आप यही स्टू मटन में बना रहे हैं तो आपको स्लाइसेस वाली अनियन कट करनी होगी क्योंकि मटन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कुक होने में और चिकन जो है वो जल्दी से कुक हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें
बारीक चॉप की हुई अनियन डाली है, टोमेटो सब कुछ चॉप करके डाला है। और जब आप मटन में बनाएं तो उसके लिए आप ये कीजिएगा कि स्लाइसेस वाली अनियन कट करके डालिएगा। फ्लेम मैंने इसकी हाई कर दी है और अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये मुगलई खानों की बहुत ही फेमस और क्विक बनने वाली रेसिपी है और हर जगह इसको पसंद किया जाता है। तो जब भी आपके यहाँ सडनली कोई गेस्ट आ जाए आप फटाफट से ये डिश तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ना मसाले पीसने हैं ना कुछ फ्राई करना है और बस कटिंग कीजिए और डाल दीजिए। तो ये क्विक बनने वाली रेसिपी है और सबकी फेवरेट भी होती है। तो इस तरह से आप चिकन स्टू ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल अब ऊपर आने लगा है, इट मीन्स हमारा ये चिकन अब ये कंप्लीट भुनाई पर है। ये देखिए हम इसको इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। ये देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है और जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल अब ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कर देंगे 2-3 मिनट के लिए लिड से कवर। 2-3 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम ये ओपन करते हैं लिड और स्टू कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए बहुत ही जायकेदार स्टू ये बना है। इसी तरह हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपनी इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, टेक केयर योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग फ्लेवर्स लैब।